बोलिए सदगुरु देव की जय। बंदो चरण सरोज जिनया जकने रमयो परख दिखायो खोजते गुरु समधु जान निर्णय दिन कृपाल परख प्रकाश स्थिर पद परखायो सब जाल महा दुखित जीव जानिक दया क्षमा संतोष धीरज शील विचार गुणा एक अनेक को दोख परखायो निज परखते असरण शरण उदार सुख साहेब सुख रूप जो कहुटी का विस्तार तव पारखते कृपा निधि बंदो संत समाज जे निर्णय गुरु परख के दृढ़ मम हृदय वीर सदा सुखी दया निधि श्री सद्गुरु को मनाओ हमेशा जन्म यौ मरण फंद काटो कलेसा खुदा की बनाई कुरा सृष्टि होता तो हिंदू का ईश्वर नहीं वेद होता हिंदू का ईश्वर यदि वेद होता अडर वेद का फिर या मन कैसे खोता ईश्वर खुदा ही बनाई अडर तो काहे वगैरह मजहबी डगर है बाइबिल ईसाई बताते खुदाई कुरा वेद का ये न कैसे उठाए हिंदुस्तान में वेद का है अडर अरबिस्तान ही में कुरा है जब मनुज की बनाई खुदाई कहे हुकुम एक देसी मनुज की करामात सारी अकल मंद की है कुरा बाइबिल वेद का द्वंद है कुरा वेद इंजिल होते खुदाई तो उनके अडर को सके को उठाए अपनी अकल में जो आता नहीं है उसे कम अकल ने खुदाई कही है हवाई अग्न बोट अवतार गाड़ी करा मात ऐसी है किसकी अनारी सारे मजहबों का को है आधार निश्चय किया कौन किसने पुकारा नाना कला कल्पना है मनुज की तुम्हारे नहीं तो तुम्हारे अनुज की पशु पक्षियों में खुदा अल्लाह नहीं बाए बिल है कुरा वेद अल्लाह पशु पक्षियों के लिए तो खुदाई नहीं बाए बिल है कुरा वेद मनुज मात्रा ही पर अनुग्रह ईसाई औरों को वे भक्ष कहते कसाई न्यायी दयावान सबको विचारे सबको कृपा दृष्टि करके निहारे अपने किताबों को सबने कुदरती कहते हैं आसमान से गिर पड़ती सारी सृष्टि का कर्म करता कुदरती तो जीव माया नहीं देख पड़ती बिना कारणों का जो कारज बनावे सोई खेल प्यारे कुदरती कहावे उपादान कारण कहोगे जो ऐसा जगत और ब्रह्म मेरा भेद कैसा जैसा ब्रह्म करता स्वइच्छा न होता बिना कर्म का जीव क्यों दुख रोता कुरा बाई बिल वेद सब है विरोध आपस में लड़के मरते या गोधी जितने देख पड़ते हैं व्यसनी अनारे उन्हीं के लिए है अडर वेदकारी कानून में तो खुदा के फंसेगा बुरा कर्म करके नरक में धसेगा बुरा कर्म करना शुरू से बुरा है अपयश और निंदा वो चिंता पूरा है रोगादि दरिद्रता गर्मी परमा
वर्णाश्रम धर्म लुटा लहरमा प्रत्यक्ष देखो बुरा कर्म करके होगा सुखी कौन जीव पाप करके जहर जो किया पान क्यों न मरेगा अग्नि में पड़ेगा अवश्य ही जरेगा हमें बुरा तो जगत सब बुरा ईश्वर दो जाने तीन भी बुरा है कर्मों को अपने सुधारो गे भाई तुम पर जुर्म है न ईश्वर खुदाई निर्मल जिसको होती है सबकी प्रति करे याद सबको चलावे सूरी तुम ही सबको देखे नहीं देख पड़ता तुम ही सबको छोड़े पुनः तू पकड़ता खुशी से तू अपने जहां मौज करता वहां या पजाता त्रिविधता माया प्रकृति अनादि उसी में घुसा है तू जाके पड़ा है खुशी में गुण में गुणी अवगुणी माही गुण है रहे गुप्त निर्गुण प्रकट सो सगुण है त्रिगुण जिसके गुण है गुणी फिर कहाँ है गुण ब्रह्मा ही जगत कारण जहाँ है प्रकृति अनादि गुणी ये विदा प्रकृति के गुण जगत भी है अनादि आकाश वायु अग्नि जल अनादि पंचीकरण स्थूल पृथ्वी दिखा आपस में संयोग वियोग होता सामान्य तत्वों में देखो क्रिया शक्ति जादे ताकत भरी गुण क्रिया वो विषादे संक्षेप ही में जनाता हूँ देखो अच्छे तू तज बीज करके निरेखो ईश्वर यदि छोड़ता बांधता है बिना कर्म का दुख में सानता है तो ऐसे अनारी को तू बेविचारे धारण किया है हृदय बीच न्यारे सारी इंद्रियों का जो है प्रेरक वही है तो जीव करता कर्म का नहीं है वेदों में ईश्वर निरंतर कहा है अप्रोक्षा ही खुद निरंतर गा है आदर्श मत में मैं से भरा है निज रूप तिनको नहीं देख पड़ा है शिखा दीप को जैसे वायु हिलावे विषय आत्मा को भी चंचल बना जल के हिले जैसे प्रतिबिंब आले तथा आत्मा को विषय घेरे आले योगी सकी बुद्धि निर्मल में अपना प्रतिमा दिखे करता ईश्वर कल आलम से जब तक ना होगे निराला निर्मलास तब लो खुदा से निराला आलम से जब तक न बेफिक्र होगे तब तक खुदाई से अल्लाह रटोगे हुस्न में पड़े फटफटाते रहोगे गालों से ईश्वर खुदा पर अड़े दया धर्म अवदीनताई नहीं है करे छिपके अवगुण खुदाई कही है खुदाई से मिलने का कैसा यतन है नहीं जानते हो उसी से पतन है जाने बिना दूर जाने को नजदीक देखो निरंतर में अप्रोक्ष तस्दीक सारा हुस्न आदत बुरी बात छोड़ो बीवी और बच्चों से नाता न जोड़ो बहिर्गत वृत्ति को खुदा दूर है अंतर्गत वृत्ति को तो निज रही है कहना सुनना ब्रह्म जीव माया प्रकृति प्रवृत्ति जहाँ लो धरे ध्यान मन में विचारे देखे सुने और सुख से उचारे स्वरूप से बाद सारा विषय जान पांचों विषय पांच तत्वों से निर्माण निरंतर मनोमय से सृष्टि रची है निरंतर में दुनिया की फोटो खींची है सूक्ष्म इंद्रिय सूक्ष्म कर्म करती स्थूल मरती पर सूक्ष्म न मरती स्थूल में सूक्ष्म सूक्ष्म में स्थूल कारण मनोमय से रहते हैं बिल्कुल अनुमान प्रत्यक्ष उपमेय उपमा दृष्टा तू सबका सारे मुलुक माँ खुदा ब्रह्म का अंश दुनिया जहाँ खालिक खलक से जुदा कहाँ है उपादान कारण यदि ब्रह्मा ही है सुवर्ण्य भूषण फकत हे माही है लहरिया समुन्दर में क्या फासला है तत्व मसी वेद का फासला है तो फिर वो साधन तितिक्षा वृथाई वेश्या सती की गति एक चाही यदि जीव माया कारण कहोगे तो सारे जन्म भर तू निंदा सहोगे
यदि जीव माया का कारण कहोगे तो ईश्वर खुदा से जुदा क्या कहोगे, पुनः ब्रह्म से जगत बन के रहोगे, अविद्याई निर्मल तू गहोगे, प्रमाण परमय प्रत्यक्ष ही है, देखे बिना कौन उपमा कही है, किसी काल में व्याघ्र मंजारी देखा, कैसा भला व्याघ्र मंजारी लेखा, प्रत्यक्ष कारण कार्य करता, प्रत्यक्ष का ही तो अनुमान धरता, अपने कर्तापन का अनुमान प्रतिमा होता है, स्वजीव का भास मतिमा, वेदों पुराणों को किसने बनाया, छिपा है कहाँ पर जो सर्वत्र गाया, कहीं दूर है कि खुदा मर गया है, संदेशा पूरा वेद में धर गया है, वेदों से देता हुकुम है निरंतर, फिर क्यों निरंतर में देता न मंत्र, बुरे कर्म से बर जता क्यों नहीं है, न माने तो फिर गर जता क्यों नहीं है, बुरे कर्म से रोक सकता नहीं है, कहाँ दंड दाता जो सोता कहीं है, दयामी वो सर्वज्ञ व्यापी, नाई दयावान कहते हो आपी, जो है एक से अल्प गहरा, पीछे कर न्याय सुन के आवाजा, किसको छिपा के बुरा कर्म करता, डर है मनुज का मुझे देख पड़ता, नहीं मोक्ष दाता जो मुक्ति छोड़ाता, बिना कर्म का मूर्ख दुख में गिराता, जेते प्राणधारी सो जीव ने संवारा, वर्षा शिष्य धूप जड़ का पसा, वर्षा शिशिर धूप जल की क्रिया है, कभी प्रिय लगती कभी अप्रिया, छिन्न भिन्नता से अनियम क्रिया है, हवाया भया तस जमी जड़ मृया, ईश्वर पानी भर के गिराता नहीं है, जड़ भी हुकुम को बजाता नहीं, न पाया और नुकसान का है न ज्ञाता, कहूँ सुख जाता कहूँ बढ़ जाता, कहूँ पाला पत्थर अग्नि में जलाता, कहीं शीत गर्मी को ज्यादे सहाता, आकर्षण करे एक को एक धर के, कहीं एक करके बैठा पकड़ के, वायु अग्नि जल पृथ्वी सब गुणी है, इनमें क्रिया शक्ति देखो बड़ी है, वायु अग्नि आप को खेच ऊपर चढ़ाते हैं, धीरे से आते हैं उतर, तत्व में सब शक्ति है पूर्णकारी, नहीं ज्ञान रहता है ताते अनारी, अग्नि जला के परमाणु बनाती, वायु परमाणु को लेकर उड़ा, रसायन शक्ति जल में बखाना, सारे परमाणु को ले पिंड बाना, चारों तत्व मिलके पृथ्वी देख पड़ती, इनमें नहीं कुछ भी देखो पुरती, चलन वलन शक्ति धावन पसारण, गिराने उठाने में वायु है कारण, शब्द आदि स्पर्श वायु में देखो, आकाश में एक अवकाश देखो, अग्नि में उष्णता या प्रकाश देखो, स्पर्श या शब्द रूपा देखो, पाषाण लोहा को जल बनावे, धुआ के द्वारे परमाणु उड़ावे, सूर्या देवी धू चंद्रमा सिताए, प्रत्यक्ष अग्नि पदार्थ है प्यारे, कठिन द्रव्य को भी जो पिघलित किया, सामान्यता से कठिन फिर किया है, निर्मल दास तज बीज करके विचारो, स्वयं जगते यही तत्व चा, पांचों विषय से जहाँ सब भरा है, पांचों विषय से जगत सब भरा, संक्षेप ही में जनाया जगत जो होती है, उत्पत्ति पालन कहाँ जो, सब तत्व समानता सब रहेंगे, खुशी से प्रक्रिया जगत की चलेंगे, तत्वों में आसक्तता बंधकारी, सगुण के द्वारे गुणी में सिधारे, खुशी जिसमें तेरे उसी में तू जाता, प्रथम तू निरंतर में फोटो बनाता, जागृत में यावत विषय तू किया है, उसी का तू फोटो निरंतर लिया है, जाना हुआ ना उतरना पकड़ना, स्वयं जीव ही कर्म करता या परना, पड़ेगा जो विद्या सो आनंद पाता, किया जो करना पही को भुगाता, अभ्यास द्वारे तू जावे वहाँ पर, जिसमें लगी वासना है जहाँ पर, जागृत विषय जो की भोगा हुआ था,
सपने में सुभाष मन में हुआ था। जैसे बीज में वृक्ष रहता समय पर वही जाम जाता है, रहता जहाँ पर जो खेत में बीज सड़ता न गलता, संयोग पाके समय पर उगलता, घर को बनाता स्वयं सुख पाता, पुरुषार्थ ही कर्म सबको जिलाता, जीविका रक्षक दिखाता, या कल बुद्धि विद्या जीवन वृत्ति दाता, आंधी या पत्थर या पानी की आरा, सूखा या वर्षा का जल ही आधारा, माता पिता बालकों को जिलावे, नाना यतन से खिलावे पिलावे, माता पिता यो करम जीव माया, इन्हीं से जन्म यो मरण तूने पाए, साकार माता पिता अन्न खाते उसी अन्न का वीर्यतन को बनाते, उपादान कारण तो माता पिता है, नैमित्य कारण कर्म संचिता है, साधारण कारण देह का मैंने गाया, जैसे है माता पिता पुत्र जाए, चैतन्य नैमित्य कारण बताऊं, पांचों तत्व उपादान कारण चेतन, परमाणु साकार का रचने वाला, कैसे निराकार होगा निराल, पृथ्वी धड़ा चंद्र डंडा दिखाते, कुम्हार हाथों से घट को बनाते, परमाणु साकार साकार सृष्टि, ईश्वर कहाँ है दिखाते न दृष्टि, इंद्रिय बिना पंच तत्वों से गुण को, कैसे मुलाकात होगा निर्गुण को, निराकार साकार में बीच भारी, निराकार व्यापक नहीं कुछ अनार, साकार ही जीव और तत्व होंगे, संयोग दोनों का ताते बनेंगे, इंद्रियों से संयोग जीवात्मा से, नहीं योग बनता है परमात्मा से, बिना इंद्रियों का यदि कर्म करता तब तो भला या बुरा सर्व करता, यदि इंद्रियों से निराला कहोगे तो कैसे सुनोगे उदाहरण करो, यदि इंद्रियों का भी प्रेरक वही है, निर्मल जीव ईश्वर रुदाई नहीं है, जा दिन निकल जाएगा जीव तन से, न ही कर्म होते न इंद्रिय न मन से, व्यापक अचल ब्रह्म चैतन्य ताई, सर्वत्र मुझको न देता दिखाई, यदि जीव ही ब्रह्म का लिंग होता तो लिंग से न्यारे नहीं वरायेगा, तो काहे न मुर्दे में चैतन्यताई, नहीं देख पड़ता है व्यापक ये भाई, कारण दिखे कारण करता न दिखते, ऐसे अचंभो को वेदों में लिखते, कारज है छोटा सो देता दिखाई, कारण बड़ा सो निराकार गाए, लहर देख पड़ते समुन्दर न दिखते, ऐसे अचंभो को मुनियों ने लिखते, पृथ्वी घड़ा देख पड़ते सरासर, घुमार ईश्वर न दिखते जरा, यदि तुम कहो जीव कैसा कहाँ है, नहीं देख पड़ता स्वयं करा, अपना नयन देखना जो तू चाहे, आदर्श निर्मल में कर ले निगाहें, बुद्धि स्वच्छ निर्मल अपनी बनाओ, अपने स्वतः रूप को देख पा, कर्म जीव के वश में हो रहा है, कर्म के वशीभूत ईश्वर कहाँ है, जीवी के कर्म के वशीभूत ईश्वर, रचता है सृष्टि परंतु स्वतंत्र है जीव परतंत्र ईश्वर, देखो भले दृष्टि करके मुनीश्वर, अगर चोर चोरी न करता जो कोई, नहीं न्यायकारी जे हल भी न कोई, बड़े घर की चिंता में ईश्वर फंसे हैं, छोटे से घर सोच जीव को ग्रसे हैं, जीव है अनंत तो कोई मोक्ष होंगे, बुरा कर्म छोड़ो कभी न फंसोगे, ईश्वर कहाँ छूट सकता रे भाई, स्वाभाविक जगत करता ईश्वर बताए, आधार ईश्वर जगत का बतावे, समवाय संबंध कर वेद गावे, उपादान कारण में कारज रहावे, कारज में कारण है व्यापक बतावे, करता यो कारण यो कारज में संयोग, संबंध रहता है होता है वियोग, आधार आधेय संबंध समवाय, माया से ईश्वर जब आया कहाँ भाय, सामान्य ईश्वर से ईश्वर नहीं है, कहूँ प्रेरता है कहूँ तो नहीं,
ऋषियों के अंदर में प्रेरक हुआ है तो औरों के अंदर में क्या वर्म हुआ है। यदि होता ईश्वर जगत का नियंता तो सृष्टि का कायदा भी ठीक से चलाता। कर्म करता है ईश्वर स्वतंत्र भाई तो वेदों को रचता निराकार गाई। बावन हरफ के न स्थान जिसके गो कैसे शिक्षा दिया चारों निरंतर किया प्रेरणा भूत जैसे खंडन कहो भूत के होंगे कैसे। यदि झूठा ही शून्य का सबत है नहीं शून्य में शून्य को ही कहत। व्यापक अचल शून्य आकाश ही है निराकार सर्वत्र खाली नहीं है। न चीज आकाश की है न सीमा चीजों की सीमा है साकार ही मां। साकार वायु अग्नि जल माटी इनमें क्रिया गुण भरे है न घाटे। पंचम जी तो सबको छिपाने देहों के द्वारे सब जगत जाने। अगर देहधारी निराकार होता तो आकाश के तौर असीम हो। तीनों अवस्थों के पर्दे न पड़ते आते न जाते जन्मते न मरते। साकार साकार संयोग बनता निराकार साकार का क्या नियम। दुख सुख विषय तत्व साकार देखो स्पर्श संबंध में तू निरोखो। अपने गुणों का प्रकाश गुणी है प्रकाश सूरज के संग में गुणी। वायु भी अपने गुणों को जनाती अग्नि भी अपने गुणों को दिखाती। जल भी अपने गुणों को जनावे निर्मला से पांचों के गुण को दिखावे। पृथ्वी अपने गुणों को दिखाती आकाश में भी रुकावट न आती। पांचों ज्ञा ज्ञाता भी निज को जनाता ईश्वर कहाँ है न मुझको दिखाता। पांचों विषय का मनन जीव करता मनन में जो आवे विषय देख पड़ता। देखे सुने को निरंतर विचारे बिना देखने से नहीं ध्यान धारे। देखे बिना कुछ सुना भी न जाता पंजा सुवन को न कोई सुनाता। जहाँ लो सुने औ गुने औ विचारे पांचों विषय निश्चय करके पुकारे। पदमात्र ईश्वर की है कुछ पदार्थ पदार्थ बिना शब्द होंगे अकार। तत्त्वमसि ब्रह्म ईश्वर का है कि जीव कहा भूला रहा है। जीव के रचे वेद बनता नहीं है यदि जीव से वेद ईश्वर नहीं है। कैसे किया ध्यान किसका लगाया कैसे मिले ईश्वर किसने लखा। ध्याता नहीं ध्यान में वह दिखाता जो है दिखाता विषय वेद गाता। बिना देखने से सुनाता नहीं कभी ध्यान में भी वो आता नहीं है। कैसे कहा जीव ईश्वर से सो तू कौन न था ब्रह्म किससे कहा। तो ईश्वर को कैसे प्रथम जीव जाना किसका प्रथम ध्यान करता सया। ब्रह्म को ब्रह्म कहने की क्या गर्ज है जानना ब्रह्म ऐसा किसका फर्ज है। ब्रह्म से ब्रह्म ऐसा प्रथम जीव जाना जीव से प्रथम ब्रह्म को ब्रह्म माना। मुक्ति प्रथम से सुनाई स देता तो जाचा पूछा लगा ध्यान लेता। श्रवण मनन ध्यान करके लगा जब ईश्वर का सिद्धांत होने लगा। गुरु वेद ईश्वर कहे तत्त्वमसि ऐसे वाक्य तेरे निरंतर में बसी। सो ब्रह्म ईश्वर का तो कौन ब्रह्म सो ब्रह्म जीव ने कहा तो कौन ब्रह्म। ताते गुरु जी वही जीव को करके सुनाया उन्हीं को हुआ ब्रह्म। जीव के बिना इस किसने कहा है अध्यास किसमें रहा हो रहा है। अप्रोक्ष के बाद जड़ का पसारा देखो सभी शास्त्र में है विचारा। साक्षी में साक्षी कभी ना बनेगा बनेगा यदि तो स्वजाति बनेगा। चैतन्य चैतन्य देखो स्वजाति व्यापक न हो वह जो हो वह भी जाति। प्रकाश प्रकाश में क्या विजाति प्रकाश में होती मृणा दिखाती। जड़ है विजाति सुदृष्टा न ज्ञाता ज्ञाता अज्ञाता स्वजाति दिखा। प्रकृति पुरुष है दो ही देख पड़ते पुरुष में पुरुष का पक्ष मिथ्या पकड़।
सर्व इंद्रियों के गुणों को प्रकाश है, सारे विषय को निरंतर में ग्रास है, आग्रह सर्व इंद्रियों से निराले निराले तो है पर सभी को पाल, चैतन्य के बाद जब सब कहा है दृष्टा से न्यारे दर्श हो रहा, साक्षी परीक्षक हो गया था वो ध्याता विषय विषय भाष कर भाष आता, जड़ है उपादान कारण जगत का, चैतन्य नैमित्य कारण जगत का, माता पिता होंगे कारण साधारण, पूरब कर्म से किया देह धारण, विषय के द्वारे गर्भ में जीव जाता अध्यास सबको जगत में न चाहता, यदि तुम कहो तुमको ईश्वर न चाहता तो फिर कहाँ ईश्वर है मुक्ति दाता, कर्म का जो करना यही नचना है करता कर्म ये अनादि जना है, उपादान कारण कर्म भी छफल का, नैमित्य कारण है जीव देह फल का, देहों के द्वारे सब भोग होता नाना कला कल्पना लय विभूता, सबको परख डार दे तू भी जाती जहाँ लो तुम्हारे नजर में दिखाते, निर्मल दास जाके मिलो पारखे से यथारत परख लो भरम भासखे, वारो तन मन धन सब पद पर खावन हार युग अनंत जो पचिम दिन गुरु नहीं निस्तार, वंदनीय गुरु परख को बार बार करि जोर, दया करण संशय हरण संत रूप प्रभु तोर बंदी छोर, कृपाल प्रभु विघ्न विनाशक नाम शरण शरण बंधो चरण, सब विधि मंगल धाम बंदो सन्मुख पार की, शीश भेंट धरि हाथ वचन उचारो बंदगी, सत्य प्रेम के साथ साहिब बंदगी साहिब बंदगी साहिब, बोलिए सद्गुरुदेव की जय, संत समाज की जय, साहिब बंदगी साहिब।